नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं धनंजय। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी 3 दिनों के ऑफिशियल विजिट पे चाइना जाती है, जहां पे उनको 11 जुलाई को वापस आना होता है, लेकिन वो 10 जुलाई के ही रात में आ जाती है। तो कहने का मतलब है कि ये अपने शेड्यूल को कुछ घंटों से कम कर देती है। अब नॉर्मली ऐसा देखा नहीं जाता है, लेकिन अगर कहीं पे ऐसा होता है तो वो चीज ऑटोमेटिकली न्यूज में आ जाता है और जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं वो इसके अलग अलग मायने निकालने शुरू कर देते हैं। हम समझेंगे कि आखिर में शेख हसीना अपने ऑफिशियल विजिट को कुछ घंटों से कम क्यों करती है और क्या इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है चाइना और बांग्लादेश के रिलेशन के ऊपर। सो जब भी हम जियोपॉलिटिकल न्यूज समझते हैं या पढ़ते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। जब भी हम ये सोचते हैं या सुनते हैं कि बांग्लादेश के रिलेशन भारत के साथ अच्छे हैं, या जब हम ये सुनते हैं कि रशिया के साथ संबंध भारत के काफी अच्छे हैं, तो हमें इस बात का भी ध्यान देना बेहद जरूरी है कि आखिर में बांग्लादेश के संबंध और किस किस देशों के साथ अच्छे हैं और क्यों अच्छे हैं। अगर हम बात करें चाइना के बारे में स्पेसिफिकली, तो चाइना के पास ऑफर करने के लिए बहुत कुछ है। चाइना अपने टारगेट कंट्रीज को लोन देता है, कितनी बार इंटरेस्ट फ्री लोन देता है, उसके देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करता है। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कहते हैं या सुनते हैं तो इसमें सभी चीज इंक्लूड हो जाते हैं, चाहे रोड बनाना, ब्रिजेस बनाना, स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, पॉसिबली जो भी हमारे दिमाग में आता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इंक्लूड हो जाता है। और चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसके तहत बांग्लादेश भी इसको साइन करके रखा है, जिसके कारण चाइना बढ़ चढ़कर बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट कर रहा और स्लोली एंड ग्रेजुअली बहुत हद तक बांग्लादेश के ऊपर आज चाइना का कंट्रोल है। सो सबसे बेसिक सवाल आखिर में शेख हसीना अपने ऑफिशियल विजिट को कम क्यों करती है। एक बात हमें समझने की जरूरत है, वो ये है कि आप नेगोशिएशन तभी करते हैं या सामने वाला देश आपको तभी रिस्पेक्ट करता है जब आपका पोजीशन भी ऑलमोस्ट सामने वाले देश के बराबर हो। लेकिन अगर हम बात करें बांग्लादेश और चाइना के बारे में तो दोनों देशों में कहीं से कोई कंपैरिजन नहीं है और जो रिश्ते हैं ये बहुत हद तक एक तरफा रिश्ता है। कहने का मतलब है कि चाइना बढ़ चढ़कर बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट कर रहा और कहीं ना कहीं बांग्लादेश के पास देने के लिए चाइना के पास कुछ भी नहीं है। तो जब आप इतने कमजोर होते हैं तो आपके पास वो जो लिबर्टी होता है जहां पे आप सामने वाले से ये उम्मीद करें कि वो वही करे जो आप चाहते हैं, तो वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। उसके बाद कहीं पे भी अगर ये डिसाइड होता है कि दो देशों के जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं वो मिलेंगे तो किन मुद्दों के ऊपर बात करेंगे, ये भी चीज ऑलमोस्ट डिसाइडेड होता है बहुत पहले से। जहां तक अगर हम बात करें स्पेसिफिकली शेख हसीना और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का मिलने के बारे में, तो मिलने के पहले का जो शेड्यूल तय किया गया था उसके तहत चाइना ने बांग्लादेश को ये प्रॉमिस किया था कि वो $5 बिलियन का लोन असिस्टेंस देगा। $5 बिलियन का जो अमाउंट होता है ये चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी बड़ा अमाउंट है, और वहीं पे अगर बात करें हम बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी बड़ा अमाउंट हो जाता है। वहीं पे अगर बात करें तो चाइना भी इतना बड़ा लोन एक्सटेंड करने के पहले एक तो उसके पास इतने पैसे होने जरूरी है, और दूसरी बात कहीं ना कहीं अगर चाइना को कोई शॉर्ट टर्म बेनिफिट नहीं होगा तो कितनी बार क्या होता है कि आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट के नाम पे इन्वेस्टमेंट भी करने से बचते हैं। तो इसी मीटिंग में क्या होता है कि जो अमाउंट प्रॉमिस किया गया था वो अमाउंट डिक्लेयर ना करके $137 मिलियन का अमाउंट को कोट किया जाता है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये सुनते ही जो शेख हसीना होती है वो काफी डिस्टर्ब हो जाती है, या यूं कह ले कि उनको ये अच्छा नहीं लगता है। और उसके बाद नॉर्मली हम लोगों ने भी देखा है कि जब भारत में कोई हेड ऑफ स्टेट आते हैं या भारत के जो हेड ऑफ स्टेट वो कहीं पे जाते हैं तो उनको एक बहुत ही प्रॉपर तरीके से रिसीविंग दिया जाता है। लेकिन बात किया जाए शेख हसीना के बारे में तो इनको जिस तरीके से रिसीव किया गया वो एक प्रॉपर प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहा था। और साथ में जब किसी देश के हेड ऑफ स्टेट विजिट करते हैं, यानी कि शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है, तो नॉर्मली यही होता है कि जो सामने वाला देश का जो हेड ऑफ स्टेट है वो आपसे डायरेक्टली मिलते हैं और आपसे बात करते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का, तो ये शेख हसीना से बहुत कम टाइम के लिए मिलते हैं, और जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के जो सबऑर्डिनेट होते हैं मोस्टली जो मीटिंग था या डिस्कशन था वही लोग करते हैं शेख हसीना से। तो कहने का मतलब है कि ओवरऑल जिस तरीके से ट्रीटमेंट शेख हसीना को मिलना चाहिए था या जो फाइनेंशियल असिस्टेंस के बारे में बात की गई थी वो सारे प्रोमिसेस जो थे वो फेल होते हुए दिख रहे थे। तो कहीं ना कहीं शेख हसीना इन सब चीजों को देख
देखने के बाद उनको काफी गुस्सा आया होगा, जिसके कारण उन्होंने ये कहा कि उनकी जो बेटी है वो बीमार है और इस एक्सक्यूज के साथ वो चाइना से वापस चली आती है। अगर आप भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भारत कभी भी नहीं चाहेगा कि बांग्लादेश के आसपास किसी भी देश का जो प्रेजेंस है वो बढ़े, और खास करके अगर हम बात करें चाइना के बारे में तो भारत तो ये कभी भी नहीं चाहेगा कि चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है किसी भी तरीके से या चाइना का जो प्रेजेंस है किसी भी फॉर्म में वो बांग्लादेश में बढ़े। इसके पीछे का वजह है कि अगर आप ये बात करें पर्शियन गल्फ का या इस वाले रूट का, तो ये सारे ट्रेड रूट पड़ जाते हैं और कहीं ना कहीं चाइना का मेजॉरिटी ऑफ जो सामान है वो इसी रूट का इस्तेमाल करके आता है। और साथ में चाइना के जो फोर्सेस है उसका भी प्रेजेंस श्रीलंका में काफी हो गया है, जिबूती में काफी हो गया है, तो कहीं ना कहीं ये सब जो एरियाज हैं चाइना इसको सिक्योर कर रहा, चाइना इसको एज एन अपने पोस्ट की तरह इसको इस्तेमाल कर रहा, जहां पे अलग अलग लोकेशन पे चाइना अपने फोर्सेस को तैनात करके रखा हुआ है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं जो चाइना का नजर है वो बांग्लादेश के ऊपर में भी है, क्योंकि अगर किसी भी तरीके से बांग्लादेश के ऊपर वो कंट्रोल कर लेगा तो कहीं ना कहीं जो बे ऑफ बंगाल है इसको भी वो कंट्रोल कर लेगा। अगर वो किसी भी तरीके से बे ऑफ बंगाल को कंट्रोल कर लेता है चाइना, तो जो हमारा सदर्न ईस्टर्न हिस्सा है ये कंप्लीट तरीके से एक्सपोज हो जाएगा। और साथ में अगर बात किया जाए तो बांग्लादेश के लिए कभी भी इतना आसान नहीं है कि वो चाइना और भारत के बीच में किसी एक देश का चुनाव करे, क्योंकि जहां तक बात किया जाए चाइना के बारे में तो चाइना का ह्यूज इन्वेस्टमेंट आज के डेट में हो रखा है बांग्लादेश में, जहां पे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोग्राम को वहां पे अंजाम दिया जा रहा। और वहीं पे अगर बात करें हम भारत के बारे में तो बांग्लादेश के या खास करके हम कह ले कि जो शेख हसीना है इनके संबंध भारत के साथ काफी अच्छे हैं, और भारत और बांग्लादेश में बहुत सारे नदियों के बीच में जो पानी को लेके बंटवारा है इसको लेके भी हमारे बीच में बहुत सारे ट्रीटी हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोट करूं तो जो तेस्ता रिवर है इसके भी जो पानी का बंटवारा है उसको लेके भारत और बांग्लादेश के बीच में ट्रीटी है, या बात करें गंगा नदी के बारे में तो इसके बारे में भी भारत और बांग्लादेश के बीच में ट्रीटी है। तो कहने का मतलब है कि बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो चाइना और भारत दोनों का इंपॉर्टेंस बांग्लादेश के लिए है। जहां तक अगर बात किया जाए चाइना के प्रेजेंस का बांग्लादेश में, तो बीते 13 सालों से चाइना बांग्लादेश का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, और साल 2023 तक जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट है बांग्लादेश में वो कुछ 3.2 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स का है। ये अमाउंट अपने आप में बहुत ही बड़ा अमाउंट है अगर सामने वाला देश बांग्लादेश है तो। और साथ में अगर बात किया जाए तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या बाहर से जो इन्वेस्टर्स आपके देश में आके इन्वेस्ट करते हैं तो ये चीज काफी अच्छा होता है, लेकिन साथ में ये भी ध्यान देना इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस हद तक अपने देश को या अपने देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मंगवाना चाहते हैं और किन शर्तों पे मंगवाना चाहते हैं। चाइना में जो सबसे अधिक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है वो आता है यूएसए से, और दूसरा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है वो आता है चाइना से। तो यहां से भी एक चीज हमें समझ में आ रहा कि कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश में इंटरेस्ट है वो तीन देशों का इंटरेस्ट तो हमें समझ में आ ही रहा, एक तो भारत का है, दूसरा यूएसए का है और तीसरा चाइना का है। तो चांसेस काफी अच्छे बनते हुए दिख रहे हैं कि कहीं बांग्लादेश एज एन बैटल ग्राउंड तो ना बन जाए इन तीनों देशों के बीच में। जहां तक बात किया जाए चाइना के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में बांग्लादेश में, तो कुछ चाइना के द्वारा 21 ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, 31 पावर स्टेशन बनाए जा रहे हैं, 12 हाईवेज बनाए जा रहे हैं। तो क्योंकि चाइना अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अच्छे पैसे खर्च करता है और इनके पास वो कैपेबिलिटीज है जहां पे ये काफी सस्ते कीमत पे अच्छे आउटपुट जनरेट कर दें, तो कहीं ना कहीं चाइना जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया है या अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया है तो ये उनको एडवांटेज देता है जहां पे वो सामने वाले के देश में जाके इन्वेस्टमेंट करें और वो भी सस्ते कीमत पे। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।